तो दोस्तों सर ने जो है यहाँ लिफ्ट भी लगाई है। अगर कई अभी मैंने देखा है सिटीज में काफी लोगों को जो है स्टेयर्स चढ़ने में काफी समस्या होती है, और प्लांट सभी लोग बाई करना चाहते हैं, मगर काफी लोगों के ऐसी जगह रखे रहते हैं जहाँ पैड़ियों पे चढ़ के और वहां से प्लांट को लेके आना सर थोड़ा टफ हो जाता हाँ, है। नहीं आपने एक्चुअली बहुत क्या है, अच्छी अभी सुविधा इसको करी है ये नर्सरी बात। को रीडू किया था, हाँ जी तो अब इसलिए लिफ्ट का प्रोविज़न रखा है इसके अंदर, क्योंकि लिफ्ट चाहिए ही सर हाँ जैसे लिफ्ट अभी चाहिए, क्योंकि काफी। जगह कम है तो उसको वर्टिकली जाना पड़ेगा आपको। वर्टिकली जाने के लिए जो सारे कस्टमर्स हैं वो इसके अंदर नहीं चढ़ पाते नहीं सीढ़ियाँ। चढ़ पाते, सही बात है। तो अपन ने जो है बेसमेंट में तो पॉट्स रखे हैं, प्लांटर्स और स्टोन्स हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे अपने हैं इंडोर आउटडोर सकुलेंट टूल्स, और सेकंड फ्लोर पे हैं सीडलिंग्स और हर्ब्स। हाँ, तो अभी हम अपन जो सेकंड पे है चल रहे हैं। सेकंड पे चलते हैं। लिफ्ट प्रैक्टिकली हमारे प्लांट्स को भी ऊपर नीचे ले जाने में काफ़ी सही हेल्पफुल बात है सर, रहती है काफी इसके क्या कोई अंदर, समझ क्योंकि लीजिए काफ़ी भारी लेबर भी प्लांट। सेव होती है। हाँ और नहीं भारी प्लांट हो तो बहुत हाँ डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, क्या डैमेज हो जाए उतारने में लेके आने में तो टफ रहता है वो थोड़ा सा। आइए तो पहले ये वाला जो है सीडलिंग्स वाला सेक्शन है शायद आए। ना। हाँ, इसमें अच्छा सीडलिंग्स भी हैं, मिक्स प्लांट्स भी हैं कुछ। अच्छा ये जैसे छोटे उसके अच्छा नहीं शुरू सीडलिंग्स, कर लेते हैं सर ना, यहाँ से हाँ या वहां से यहाँ से कर लो छोटे दे से। दिखा लो। ये जैसे इसके अंदर है सिंगोनियम्स हाँ वगैरह, जैसे काफ़ी कुछ इंडोर में चलते हैं, ऐसे आइटम इंडोर में या शेड में चलते ये हैं, बहुत डॉर्फ वाली वैरायटी है ये डॉर्फ शायद ना। वेराइटीज है ये। एक्चुअली ट्रे गार्डन वगैरह आजकल बनाते हैं ना लोग हाँ काफ़ी, हाँ क्योंकि फ्लैट कल्चर के हिसाब से गार्डनिंग भी एक तरह से सिकुड़ गई है, कॉम्पैक्ट हो छोटी गई कॉम्पैक्ट हो गई है। है, सही बात है। तो ट्रेस के अंदर काफ़ी ये वाले आइटम काम आ तो जाते हैं दोस्तों इसके जैसा अंदर। आप देख रहे होगे ना, इस तरीके के सीडलिंग इस टाइप से इतनी वैरायटी में नॉर्मल नर्सरीज में आपको अवेलेबल मेरे हिसाब से तो जयपुर में तो नहीं है। जिस तरीके से सर ने रखा है मटेरियल, जितने तरीके के प्लांट्स हैं और बिल्कुल छोटे छोटे छोटे, और सबसे मेन बात क्या है दोस्तों कि जैसे ये छोटे हैं आप बड़े इनको कीजिए, और ये छोटे होने की वजह से आपको कॉस्ट इफेक्टिव बहुत रहेंगे ये हाँ, बहुत प्लांट। फर्क पड़ जाता है रेट्स के अंदर, हाँ काफी एक तो फर्क आप बड़ा रहता प्लांट लो तो उसकी रेट ज़्यादा रहेंगी, ये छोटे प्लांट है आप लोग ग्रो कीजिए बड़े कीजिए तो ये इनको जो है कॉस्ट इफेक्टिव बहुत रहता है। तो सर इसमें एक तो आपने बताया ये है। वाले ये जो सिंगोनियम जैसे बहुत सिंगोनियम चलते है। हैं, ये हाँ कोलियस की छोटी वाली वैरायटीज हैं, इसमें ये अच्छा दोनों इसमें भी कोलियस और हैं। वैरायटी आई है कॉलियस में भी। हाँ, कोलियस में ये वाली और ये वाली दो अलग अलग हैं इसके अच्छा अंदर, अच्छा डिफरेंट वैरायटीज है। ये पोलका डॉट आजकल हाइपोस्टस आता हाँ है, जी ये हाँ बहुत जी लोग पसंद करते हैं, कि काफ़ी लंबा चल जाता है ये भी, है ना। वैसे परमानेंट तो नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लंबा चल जाता है, इतनी मतलब कम रेट है कि आराम से कस्टमर इसको सही अपनी बात गार्डनिंग का है शौक पूरा सही। कर लेते हैं। और नेक्स्ट ये अरेलिया। अरेलियाज हैं, अरेलिया ये भी छोटे हैं, तो जिसको बड़ा करना चाहो बड़ा करो, या छोटे पॉट्स के लिए या हाँ ट्रे फिर गार्डन वगैरह के लिए भी मतलब कॉस्ट अच्छे हैं इफेक्टिव है उसको। ना सर, मेन हाँ बात तो ये है। आप जैसे बड़ा प्लांट अपन ले लीजिए 150-200 रुपए का समझ लीजिए मिले, हाँ आप अपन बिल्कुल, छोटा प्लांट लिए ग्रो कीजिए अपने मजा अलग आता है हाँ खुद का उसकी बात प्लांट एक ग्रो करने गार्डनिंग के एक्चुअल बाद, वही है। वही है बात सही ये बात है। फिटोनिया जो नीचे दिखाया था आपको, हाँ जी ये ये रेड फिटोनिया, टाइप। इसके अंदर ये रेड वाली अच्छा वेराइटीज अच्छा है ओके इसके अंदर, वो फिलोडेंड्रोन है, वो रबर ड्वार्फ है, रबर ब्लैक वाला नजर आ रहा है ना, हाँ जी हाँ जी रबर वो प्लांट। रबर रबर प्लांट की वेराइटी है, अच्छा वो अच्छा अच्छा बहुत अच्छी और वेराइटी है वो। ये सेंसिवेरिया है शायद ये जो पीले सेंसेरिया रंग का। मेकाडो वेराइटी है, ये आजकल बहुत मजबूत प्लांट मानते हैं इसको, काफ़ी ये अच्छा चल जाता ऑक्सीजन है, वाला इंडोर में है। भी चल जाता है। हाँ, ऑक्सीजन वाली तो पूरी फैमिली इसकी ऑक्सीजन मानते हैं। ले ये आगे सब जाओ। है, इधर भी कुछ इंटरेस्टिंग है। ये जैसे पान के हैं, अच्छा बिटल लीफ पान की छोटी सीडलिंग्स है, तो दोस्तों जैसे लोग बहुत अपन पसंद करते हाँ हैं। वही हाँ बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बड़ा प्लांट लेंगे बड़े पॉट में लेंगे महंगा आता है, यहाँ पे आप सर से संपर्क कीजिए। छोटे सीडलिंग आपको ऐसे ऐसे प्लांट के मिल जाएंगे जो नॉर्मली अच्छा, मार्केट में मोस्टली क्या है, अवेलेबल। ये उसके अंदर ट्रे के अंदर है, तो ट्रे अच्छा गार्डन में है, तो इसके अंदर मतलब रूट डैमेज नहीं होती ना। हाँ हाँ इसको नीचे देखो, ही ये जो है आपने आपने डैमेज ऐसे है। करके निकाला, तो हाँ इसमें पूरी पूरी जो है वो रूट आ जाएगी इसके अंदर, सही बात, रूट ये बॉल इसका निकाले। हाँ, डिस्टर्ब पूरा नहीं पूरा रूट होगा बॉल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसको आप डिस्टर्ब। अपने हिसाब से लगा सकते हैं सही इसके बात। अंदर। और पीछे जो है अब ये जैसे एक्नोलिया है। अरेलियाज हैं, ऐसे सीधे नेट अच्छा पॉट के नेट अंदर पॉट आते में हैं, है तो इसमें सही कहीं भी बात, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। सीधा अपन ने प्लांटिंग हाँ, करी इसको कोई ऐसे कर प्लांट जो देगा। है डिस्टर्ब नहीं हुए, स्ट्रेस नहीं आता रिपोर्टिंग का उसके ऊपर। और ये जो है एग्लोनीमास है और एग्लोनीमस, हाँ, ये जो एक्स्ट्रा स्टॉक है वो जैसे यहाँ रख लेते हैं, और ये जैसे हैंगिंग अच्छा तैयार हो रहा है, काफ़ी अच्छा हैंगिंग का मणिकास है लॉट ये है। सारे। हाँ, ये ऊपर सारे हैंगिंग का अच्छा है, देखो अच्छा ये अच्छा सकुलेंट्स हैं सब इसके अंदर, डिफरेंट टाइप के हैं जो जो हैंगिंग के अंदर बनाते हैं।
तो सर ये जीजी प्लांट ब्लैक वाला भी आया? हाँ, ये ब्लैक वाले आने शुरू हो गए। ये थोड़ी कंपेरेटिवली नई वैरायटी है, ये है, ये भी ध्यान से देखो तो ये भी अलग वैरायटी है जीजी की। कॉम्पैक्ट आता है काफी इसके अंदर, लीव्स पास पास में। हाँ, इसमें लीव्स पास में और काफी गुथा हुआ आता है जैसे नॉर्मल जीजी प्लांट के मुकाबले। कॉम्पैक्ट है, ये गुथा हुआ है, पास पास में पत्तियां हैं इसमें, और हाइट उतनी नहीं लेगा, इसकी हाइट कम रहेगी, हाइट इसकी कम रहेगी। ये पीछे कौन से पाम है सर? ये पीछे ये तो अभी थोड़ा रिकवरी के अंदर है, थोड़ा सा ये वो बैम्बू पाम है ना, C40 पाम भी बोलते हैं इसके। मैं पूछना चाहता ये इस जैसे सर्दियां इनके लिए कंफर्टेबल नहीं होती हैं क्या? क्योंकि कुछ मेरे प्लांट ऐसे हैं जो नहीं, सर्दियों में ऐसा दिक्कत नहीं है, पर वही बात है, सडन अगर आप एक्सपोजर करो एकदम ओपन में, या जैसे इस बार सर्दी बहुत लंबी पड़ी तो ग्रो तो नहीं करेंगे उसमें। सही बात है, पर फिर भी ये वाले प्लांट ऐसे दिक्कत नहीं देते, बोलते हार्डी होते हैं, पर उस समय अगर आप इसको रीप्लांट करते हो वो सब करते हो तो वो इसको सूट नहीं करता। और सर ये जो नीचे हैं ये तो फर्न से, ये फर्न की वैरायटी, ये फर्न से अच्छी, ये तो क्या काफी मजबूत वैरायटी मानते हैं इसको इसके अंदर। और आगे वो सीजनल दिखाते हैं आपको। और सर ये ट्विस्टेड स्नेक, हाँ ये स्नेक प्लांट जो आते हैं ना, सेंसेवेरिया बोलते हैं, इसकी बहुत वैरायटीज आ गई हैं। अच्छा, एक ये देखिए, ये थोड़ी सी लंबे, हाँ ये शायद ये ट्विस्टेड है, हाँ ये भी अलग वैरायटी है। देखो पीछे ज्यादा येलो है ये वाला जो है, और सर बहुत वैरायटी है, ये उसी में का ही है, ये वही बैम्बू पाम, बैम्बू पाम है जो आप पहले देख रहे थे ना। और ये फाइकस का बनाया हुआ, ये फाइकस का है, हाँ ये फाइकस का इसको शेप दे रखी है, मतलब एक्चुअली क्या है जैसे नो प्लांट्स को लेकर के और उसकी वीविंग करके और इसको और सब इस तरह से बनाते हैं। साइज के प्लांट सेलेक्ट करना, हाँ, फिर इतनी मेहनत करना बहुत इजी नहीं होता, सेम टाइप के जो है सारे प्लांट्स हैं। तो और नेक्स्ट जो है सर, ये मनी प्लांट का है कि किस चीज़? नहीं, ये सिंगोनियम से। अच्छा, सिंगोनियम है ये अपना, हाँ बेल वाला सिंगोनियम है। अच्छा, ये थोड़ा लंबा जाता है, पहले बहुत चला करता था ये, अब आजकल तो स्पेस कम है तो लोग सिंगोनियम भी ड्वार्फ वाले ज्यादा पसंद करते हैं। सही बात है इसके अंदर। तो सर अब जो है, अब दोस्तों जो हम है सीजनल अपन देखेंगे सर ना, सीजनल अपने पास क्या क्या है प्लांट्स वो अब हम देखते हैं।